जबान संभाल के जो चाहे कहो पर जरा देखभाल के जबान संभाल के मैं गवर्नमेंट का अफसर हाँ, हिंदी भाषा सीखता हाँ। हिंदी मेरी कच्ची पर एक्टिंग मेरी अच्छी। हम हांगकांग से आया बड़ी, इतना डॉलर लाया। बिना धीरे से कहो टैक्स वालों से बचो। कोई सिंधी कोई पारसी कोई रूसी तो कोई अरबी, कोई ब्रिटिश राज का राइटर तो कहीं मद्रासी अभिनेत्री, एयर होस्टेस एक कॉन्ट्रैक्टर मिलके बोले का खा गा, सबके मन में है अभिलाषा मिलके सीखे हिंदी भाषा। But man, don't make tamasha. आज आप लोगों को उम्र के बारे में कुछ कहना है। ओ जी, हमारी उम्र तो खुली किताब है, है? इसमें बताने वाली क्या बात है, उम्र छुपाने की आदत तो इन कुड़ियों को होती है। सर, ये उम्र के ऊपर हमने एक कट्टर ओरिजिनल एक शायरी लिखे लाए। केकी क्या रे केकी, तेरे को हर बात के ऊपर शायरी शायरी बोलने को होते, दूसरे को जाते नहीं के बोलने को। अबे तेरे को शायरी लिखने को नहीं आता, इसलिए तेरा पेट में धरा लौटा क्या? मैं तेरे को शायरी बोलने को नहीं देगा। बोलूंगा। सुनिए, लड़िए मत, आप लोग बैठ जाइए। हमेशा केकी, आप शायरी नहीं बोलेंगे, जो मैं कहूंगा वो आप बोलेंगे। अच्छा सर, आप बोलिए, मैं करूंगा जी। अब आप लोग जवानी शब्द पर एक वाक्य बनाइए। क्या लफ्ज चुना है जी, जवानी। हाँ तो वाक्य बनाइए। जवानी बड़ी रंगीन होती है। अरे मेरे पास क्या वाक्य आ गया। जवानी हो या बुढ़ापा, पैसा नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। सर हूँ बताओ सर, जवानी में दिल बहुत मचलता छे। जरा संभाल के रखिएगा, बाहर ना आ जाए। सर, जवानी का उपाय ना, हमने एकदम टंडन ओरिजिनल सॉन्ग लिखेला है, सभी तो सुनना ही पड़ेगा। सुनने का ये जवानी है दीवानी, मेरी रानी जा ओ रानी, देख करा पीछे मुड़ के चली कहा कैसे उड़ के। कैसा लगा सर? एकदम बेकार। तू मेरे को गाना पसंद नहीं था, वो शायरी सुनाएगा? जी नहीं, शायरी नहीं सुनाएंगे आप। कब तक इस तरह मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा? जी मैं कहता हूँ जब तक हम फीस भरते जाते हैं आप पढ़ाते जाओ। हाँ तो ऐसा होगा कि पढ़ाते पढ़ाते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और पढ़ते पढ़ते आप लोग बूढ़े हो जाएंगे। अरे मैंने जो कहा है आप लोगों की समझ में आया है कि नहीं? सर हम जिंदगी भर हिंदी सीखता रहेगा। मैं कहता हूँ आपको तो बुढ़ापे तक सिखाना पड़ेगा, बुढ़ापे तक। मुझे भी ऐसा ही लगता है, ऐसा ही कुछ होने वाला है। बुढ़ापा आ जाएगा लेकिन हिंदी नहीं आएगी इन लोगों को। चोरी चोरी सोला सिंगार करूंगी, आज सारी रात इंतजार करूंगी। ये क्या हो रहा है भाई, इस बुढ़ापे की उम्र में आप 16 सिंगार करेंगे, शर्म नहीं आती आपको? किसने कहा कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ? मैं कहता हूँ कि आप बूढ़ी हो गई। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहीं? आसमान की तरफ ताकने की मेरी आदत नहीं है, कि वो गर्दन में जरा दर्द हो जाता है। मैं चूक गई हूँ, आप तो आंखों में आंखें डालिए। मेरी आंखें जरा कमजोर हैं और मैं चश्मा भी आज साथ नहीं लाया। हाँ तो मेरी दिल की धड़कन सुनिए और कहिए कि धड़कनों में जवानी का जोश नहीं है। नहीं नहीं, जोश तो है लेकिन होश नहीं है। छोड़िए यार, मैं तो चला। मोहन जी, कहीं मेरे दिल में कुछ कुछ होने न लगे इस उम्र में आके। अरे सर जी, सारी उम्र ये कुछ कुछ छुपाते रहे हो, अभी तो उसे बाहर आने दो, हमें भी तो देखने दो ये कुछ कुछ क्या है। जाओ अपना काम करो। अरे वही तो कर रहा था, आपने टक्कर मार दी, सारी शक्कर गिर गई। अभी इस उम्र में तो यमराज जी आएंगे इनको मिल्क पीने के लिए भैंस पर बैठ के। अच्छा क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हैं, कोई नया रिश्ता आया है? झुमरी तलैया से। अच्छा तभी गाने गाए जा रहे थे। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। क्यों? अरे रिश्ता भेजा है कि गानों की फरमाइश। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये
ये रिश्ता इसलिए भेज रहा हूँ, अखबार में छपी आपकी तस्वीर हमें पसंद आई है और पसंद आई मेरे दोस्तों दिनेश, महेश, रमेश, दीपक, शंकर, अकबर, अनवर, सुहेल और सुनील को, मोहल्ले वाले रामू काका, दीनू काका, पंडित जी, शेर खान चाचा और उनके तमाम साथियों को। अच्छा है भाई, कर लीजिए, बहुत प्यार मिलेगा आपको। नहीं, मैं तो इंतजार करूंगी मोलोटोव का। ये रूपाली, हाँ? तो एंगेजमेंट हो गया था ना, तो फिर शादी काहे को नहीं बनाया अभी तलक? अरे वो बोला कि हिंदी नथी आवड़ती तो बाकी का क्या करेगी, इसलिए छोड़ी ने चला गया अहमदाबाद। माय गॉड, लेकिन ये मोहन सर अभी तक आया क्यों नहीं है? अरे हाँ, आजकल वो जरा लेट ही चाहते है। बुढ़ापे में हर चीज की स्पीड कम हो जाती है और धीरे धीरे चल के आता होगा, शाम तक पहुंच ही जाएगा। अरे सर को बोला कि मेरा गाड़ी में आओ, मैं ड्राइवर भेजती, लेकिन वो मांगती नहीं। वो पैदल चल चल के लड़की को देखती आती। मोहन सर, तुम्हारा जैसा नहीं है, ऐसा उल्टी पुल्टी बात मत करो उसके साथ। बेटी एक देगी। गुड इवनिंग सर। अरे भाई, कितने साल हो गए मुझे समझाते हुए आप लोगों को कि नमस्ते कहा करो, कब कहेंगे नमस्ते आप? सॉरी सर। फिर से सॉरी, क्षमा कीजिए, नमस्ते। चलिए भाई, मुझे नमस्ते करने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन एक बार ठीक से समझ लीजिए फिर से कि ये हिंदी की क्लास है। हिंदी? अभी अब सिंधी भी सीखनी पड़ेगी। नहीं नहीं सर, रहने दीजिए, अभी हिंदी पढ़ लेते हैं, सिंधी बाद में देखेंगे। मक्खन सिंह जी, उम्र के साथ साथ आपके कान भी कमजोर हो गए हैं। मैं सिंधी नहीं, हिंदी कह रहा हूँ। चंदी, मुझे चंडीगढ़ छोड़े तो कितने साल हो गए हैं। अरे मिस विजया, ये बुढ़ापे की हड्डियां हैं, संभल कर चला कीजिए, एक बार टूट गई तो जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। लेट हो गया सर, इसके वास्ते भागते भागते आए ना। हाँ तो बताइए, लेट क्यों हुई थी आप? व्हाट टू डू, हमारा शूटिंग लाइट पैकअप हो गया। चलिए ठीक है, बैठिए अपनी जगह। आपका तबीयत ठीक है? तबीयत क्या होता है? बीमारी है वो, बीमारी तबीयत कहते हैं उसको, तबीयत नहीं। सर, बुढ़ापे में आदमी का ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल होता है, तुम्हारा भी होता है। मिस्टर चार्ल्स, मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है, आप लोगों की हरकतें एबनॉर्मल हैं। और ये हरकतें कब नॉर्मल होंगी मैं नहीं जानता। सर, कभी ना कभी होगा। हाँ, मुझे भी यही उम्मीद है। चलिए कापियाँ निकालिए अपनी अपनी। अरे सर, क्या करूँ, कापी तो घर में छूट गया। फिर से कापी घर में छूट गया? अरे सर, क्या करूं, एक तो दिमाग मेरा खराब है ही है, ऊपर से बुढ़ापा कापी घर में छूट गया। सर, आ जाओ, उसको पेपर नहीं देगा माँ बुक में से। अरे दे दो ना, की क्या है? क्या ले दो ना, तुम पैसा दो, हम तुमको कापी से पेपर देंगे। अरे बाबा, आज पैसा तो भी घर में छूट गया। सर, तुम काहे को नहीं घर में रह के आते, तुम्हारी पढ़ाई उधर ही रखो नी। अरे बात चलिया, तुम झगड़ा क्यों करता है मेरे साथ? मैंने तो एक पेपर मांगा, तुम झगड़ा करते हो। रोज करो, तुम पेपर मांगेगा। सर सर सर, हिंदी का क्लास है सर, इंग्लिश में नहीं बोलने का। हाँ हाँ ठीक है। आवाज वानी नहीं दस्तूर, तुम इसको एक पन्ना दे दो। आप बोलते हैं रोज़ हमको देना पड़ता है उसको। हाँ चलो दो, कल से तुम पेपर लेके आना। जाओ, चलिए कॉपी निकालिए और लिखिए सब लोग। वृद्ध आयु में जवानों से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये प्रेरणा किधर रहती है? अभी बताता हूँ कहाँ रहती है। यहाँ रहती है प्रेरणा। सर, मेरे को बराबर दिखता नहीं सर, जरा बड़ा लिखने का। बड़ा लिखूंगा तो चौक वेस्ट होगा, आप अपनी आंखों पे एक चश्मा क्यों नहीं लगवा लेते? तेरे चश्मा दे रहे तेरे। तुम चढ़िया हो गया क्या? क्या मैं तुमको चश्मा देगा तो मैं क्या देखेगा? सर मैं थोड़ा आगे आके देख। नहीं नहीं, आप वहीं रहिए, मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ थोड़ा। देखिए प्रेरणा। ओहो, मैं कहता हूँ सर, जवानी में कोई प्रेरणा नहीं मिली तो बुढ़ापे में कहाँ से मिलेगी? मैं इंस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ, इंस्पिरेशन। जल्दी चल, क्या धीरे धीरे चलता है? कमर में दर्द होता ही नहीं। ऐसे हो गया जरा सा ठसका लग गया तो फिर कौन सी बड़ी बात हो गई? मैं बुढ़ापे में ठसकी हो गया। बाबा ये उसको ठसकी नहीं, ठरकी बोलते। देख देख जानी देख, तू मेरे को जो मर्जी बोले लेकिन बुढ़ा नहीं बोलेगा। हाँ अब बोलेगा बुढ़ा बुढ़ा बुढ़ा। ओए हम बुढ़े हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम, तेरे 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 चाहने वाले हैं।
बुढ़ापे में इतना मटकना नहीं चाहिए। बैठ जाइए। ओ यार मैं बुढ़ा ऊपर से लगता हूँ तो क्या हुआ, वो अंदर से अभी तक मैं जवान हूँ। कोई भी अंदर से जवान नहीं छे, ये सब कहने का बात छे। यार तू लोग ओल्ड होने के बाद और सो बंदर के जैसे गुलाटी मारना नहीं भूलता ना। चली, हम लोग सब कुछ भूल जाता है बुढ़ापे में। देखो ना कितना साल हो गया है हम गुलाटी नहीं मारा। लेकिन तुम लड़की लोग हमको बुढ़ा बोलेगा तो ठीक है, अपने आप को बुढ़ा मत बोलो, मेरा दिल टूट जाएगी। जो रसलान दिल काहे को टूटता, क्योंकि वो मेरे शहर जबी तुझे मालूम नहीं, अभी तक है हंसी और मैं जवा तुझे कुर्बान में। अरे 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 क्या हो गया मिस्टर रसलान को? रसलान बुढ़ापे में जवानी का जोश दिखाएगा तो ऐसा ही छोएगा। हाँ सर जेनी बोलता है बराबर है, हम क्या कल हमारा वाइफ के साथ उछलम कुटलम करने को गए, देखो नी हमारा कमर में पट्टा लग गया। देखिए बुढ़ापे में दवाई से ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत होती है जो आप लोग करते नहीं होंगे। सर हम करते हैं कभी कभार। देखिए जॉगिंग योग व्यायाम ये सब करने से सेहत अच्छी रहती है। कल से आप लोग क्लास के अंदर एक घंटा पहले आ जाया कीजिए, मैं आप लोगों को पहले एक्सरसाइज करा दूंगा फिर बाद में पढ़ाना शुरू करूंगा। हाथ सीधा करो। एक सर की बूढ़ा हमारा हाथ काहे को पकड़ता है? मैन मैंने किधर पकड़ा है? सर ने बोला हाथ सीधा करो, मैंने सीधा किया तो लग गया। सर ये मक्खन के बच्चे को पीछे भेजो, हम आगे जाती तो ठीक हो जाएगी। सर जी नहीं, मक्खन जी आप अपने हाथ पर जरा काबू रखिए। हाँ अब लेफ्ट साइड पर झुकेंगे, झुकिए। अब इस तरफ राइट साइड पे। झुकने में बहुत तकलीफ होता है। देखिए मिस जेनी शुरू शुरू में थोड़ी तकलीफ होती है, बाद में आपको आदत पड़ जाएगी। आप सब लोग अपने दोनों हाथ पैर के अंगूठों पर छूने की कोशिश करेंगे। अब ऊपर। क्या हो गया मक्खन जी? उसको झुकने में मजा आती। सर, मेरी कमर अटक गई है, मुझे सीधा करो। नहीं सर, नहीं, मदद करने को नहीं मांगता है, मक्खन नॉटी बॉय है, ऐसा रखने को मांगता है। सर, सर प्लीज सर मेरे को सीधा करो सर। थैंक यू सर। चलिए अब आज के लिए एक्सरसाइज काफी हो गई, अब आप लोग बाकी की एक्सरसाइज घर पे जाके कर लीजिएगा। अब कुछ पढ़ाई वढ़ाई की जाए। आज मैं आप लोगों से प्रेसी लिखने के लिए कहूँगा। प्रेसी लिखना काहे का बड़ी बात है सर, मैं लिख के बताता है। प्री या सी? नहीं नहीं ये वाला प्रेसी नहीं। तो आप वाला कौन सा प्रेसी है? प्रेसी का मतलब होता है निचोड़। ओ अच्छा अच्छा, आप हमसे निचोड़ने की प्रैक्टिस कराना चाहते हैं? नहीं सर, निचोड़ना तो बहुत आसान होता है। यू सी हम अपना कपड़ा खुद धोता है और खुद निचोड़ता है। सर हम भी नीचे उठ सकता है। बट सर आप निचोड़ने को जाता तो पट जाता ना। ओहो तुम्हें अपना निचोड़ना बंद करो और सर जो बोलता है वो निचोड़ना शुरू करो। अरे भाई मैं निचोड़ने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अरे आप लोग तो ऐसे निचोड़ने की ख्वाहिश रख रहे हैं जैसे मैं आपसे नींबू मौसमी संतरा निचोड़ने के लिए कह रहा हूँ। सर कोई भी चीज दे दो हम निचोड़ेगा। मैं आप लोगों से लहसुन के निचोड़ की बात कर रहा हूँ। लहसुन निचोड़ना है? लहसुन निचोड़ने से क्या फायदा? लहसुन को निचोड़ के क्या निकलने वाला है? मक्खन जी लहसुन नहीं लहसुन लहसुन। सर हम बताती लहसुन कैसे निचोड़ती, ऐसा उठाती ऐसा पकड़ती। देखिए बूढ़ा तो मैं हो गया हूँ, अब लगता है मैं पागल भी हो जाऊंगा। भाई मैं लेसन की बात कर रहा हूँ, लेसन लेसन का निचोड़ सारांश, बस यही, इसी को प्रेसी कहते हैं। सर सर आपको मालूम है प्रेसी क्या होता है पर किसके ऊपर लिखने का है? सर के ऊपर लिखो। सर सर बोलेगा हम अपना सर के बारे में बोलेगा,
हमारा सर बहुत स्वीट है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पेशेंस वाला आदमी है और हम सर को बहुत लव करता है। बस 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 बस, चांस मिलते ही आपकी रेलगाड़ी फौरन शुरू हो जाती है। सामर ट्रेन तुम्हारा रेलवे प्लेटफॉर्म पर कभी रुकने वाला है? कभी नहीं रुकेगा। जेनी तुम रॉन्ग ट्रैक पे जाती। चुप चुप बैठने का। भाई आप लोगों ने जिंदगी में बचपन, जवानी, बुढ़ापा ये तीनों फसलें देख ली, जिंदगी का बहुत सा अनुभव कर लिया है। अब ये जिंदगी का जो सारा अनुभव है उसका निचोड़ या उसकी प्रेसी या उसका सारांश आपको लिखना है बस। चलिए लीजिए, घंटी बज गई। ठीक है, जो कुछ मैंने आप लोगों से कहा है आप लोग घर पे लिख के आइएगा। और एक्सरसाइज करना मत भूलिएगा, योग, व्यायाम, जॉगिंग वगैरह। मक्खन जी, क्या हुआ आपको? ओहो, होना क्या था जी, स्यापा हो गया। मास्टर जी ने कहा था एक्सरसाइज करना, मैं लगा शीर्षासन करने, लता टा चुके गर्दन अखड़ गई मेरी। भाई चतुर्वेदी ला भी ला, पानी ला, मैं अपनी गोली खाऊं। हाँ, बुढ़ापे पे गुलाटी मारो, ऐसे होता है। ओए, तो तेरे को क्या हो गया? अरे बाबा क्या बताऊं, सुबह सुबह जॉगिंग के लिए गया था। हाँ। तो बस आके धिक्का दे के चले गया। आराम से, मेरा कमर, मेरा कमर। बाबा विठल तुमको क्या हो गया? इसने जरूर बुढ़ापे में किसी से कुश्ती लाने की कोशिश की होगी। अरे नहीं बाबा, मास्टर बोला था ना वो निचोड़ कर कुछ लिखने का करके, उसके वास्ते ऐसा गच्चे पे चक्कर मारने को गया, गिर गया उधर। डॉक्टर ने जब का सारा पैसा निचोड़ लिया रे मेरा। लो और एक आने। हम क्या बोलेगा माय डियर चाचू बेटे, हम सुबह सुबह क्या एक्सरसाइज करने को बीच के ऊपर हम ऐसा ऐसा हाथ हिलाया, सामने वाला फ्लैट में एक औरत देखता है, वो क्या समझा हम इशारा करता है। उसके बाद उसका आदमी आता है, मेरा दोनों हाथ छोड़ता है। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, और एक्सरसाइज के पहाड़े और जरूर उस औरत को इशारे करता होगा। नहीं रे बाबा, ये धरती है। अरे और तुम लोग कैसे सही सलामत आ गए हो? ये तीन बहू सावधानी से एक्सरसाइज करते होगा। नो एक्सरसाइज, नो योग, नो जॉगिंग। इसका मतलब तुम लोग होमवर्क करके नहीं आया? इस उम्र में रिस्क नहीं लेना मांगती। बराबर है। ये क्लासरूम तो बूढ़ा लोग का जंकयार्ड लगता है। तू मेरे को चाहे जो मर्जी बोले पर बुढ़ा ना बोला कर। मक्खन, अगर तुम बुढ़ा नहीं है तो ये तुम्हारे गर्दन पे कुत्ता का बैस कैसे लगती? जॉगिंग करता हुआ आया। अयो आप लोग को देखना, पुराना गाड़ी का टूटेला मॉडल दिखना। तमे लोग को बद्दा सगड़ा एक्सेप्ट करो कि तमे बद्दा बुड्ढा छे अंदर से भी और बाहर थी पण। ये सब क्या है? हां स्कूल है कि हॉस्पिटल है? अरे मैडम हॉस्पिटल में दिल नहीं लगता तो मैं सोचा इधर क्लास में आऊं। मैं तुम लोगों को खुशखबरी सुनाने वाली थी लेकिन मुझे नहीं लगता तुम लोग इस बात के लिए लायक हो। अच्छा तुम लोगों का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आने वाला है। देखा 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 मैडम, हमारी वजह से अब आपका और आपके स्कूल का नाम सारी दुनिया में फेमस हो जाएगा। मैडम हम कुछ किया नहीं, तो हमारा नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कैसे आने को सकता है? अरे बाबा जो तुम लोगों ने किया वो किसी ने अब तक नहीं किया और आगे भी कोई नहीं कर सकेगा। 40 साल एक क्लास में बैठे फिर भी हिंदी नहीं सीखे, ये रिकॉर्ड नहीं तो और क्या है? दुनिया भर में फेमस हो जाएगा। अरे सर को जब ये पता चलेगा तो उसका तो खुशी का पार नहीं रहेगा। माई जी, हमने इसका ऊपर एकदम ओरिजिनल शायरी लिखे है, सुनाता हूँ। शर्मा नहीं चाहिए तुम लोगों को,
तुम लोगों का नाम बेवकूफों की फहरिस्त में सबसे अव्वल नंबर पे आएगा और तुम लोग खुश हो रहे हो। तो बस जब रोने लगती सर। अरे तुम लोगों के लिए क्या क्या ख्वाब नहीं देखे थे मैंने। मैंने सोचा था कि तुम लोग जब यहाँ से पास होकर बाहर निकलोगे तो बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाओगे। मिस्टर चार्ल्स एक किताब लिखेंगे, मक्खन सिंह जी गवर्नमेंट अफसर बनेंगे, मिस विजया बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनेंगी, मिस जेनी इंडियन एयरलाइंस में अपना नाम रोशन करेंगी, मिस रूपाली अपना घर बसाएंगी, मिस्टर वासवानी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे। इस तरह से आप लोग अपना अपना नाम रोशन करेंगे। गिनीज बुक में नाम जाती तो रोशन हो जाती। अरे कैसा रोशन हो जाता, आप लोगों का नाम सबसे बड़े बेवकूफों में आएगा। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप हमको यहाँ मिले हैं, ऊपर जरूर मिलना। मैडम ने नोटिस भेजी है। कैसा नोटिस है? सबको बांटने को बोला है। ठीक है बांट दीजिए। ये नोटिस हम पढ़ने को सकते हैं। छात्र का मतलब मने खबर छे, उसका मतलब स्टूडेंट होता छे। हाँ ठीक है बैठ जाइए, आप पढ़िए मिस जेनी। छात्र एक था जिंदाबाद। एक था नहीं, एक था जिंदाबाद। सर ये नारा लगाने को हम लोग को बहुत अच्छा आता है। छात्र एक नारा लगाया नहीं जाता, नारा बांधा जाता है। और ये जो अभी आप करने जा रही थी उसे नारा नहीं नारा कहते हैं, मतलब स्लोगन। यस हाँ सर। उत्तम छात्री। छाती नहीं छात्र। उत्तम छात्री पूरा नमस्कार। पूरा नमस्कार नहीं पुरस्कार। वेरी गुड सर वेरी गुड। आगे लिखिए वर्ष वर्षी। वर्षा वर्षी नहीं वर्ष। वेरी गुड सर। हाँ आप पढ़िए। ये पुरस्कार किसी विशेष व्यक्ति के हाथों में दिया जाएगा। दिया जाएगा नहीं, किसी विशेष व्यक्ति के हाथों से दिलवाया जाएगा। साइन। हाँ सर हम आगे पढ़ते हैं। देखो सुनो उत्तम छात्र पुरस्कार। नहीं नहीं जहाँ से छोड़ा था वहाँ से पढ़िए। सर कहाँ से छोड़ा था कहाँ से पढ़ू सर? अरे भाई जहाँ मिस्टर वासवानी ने छोड़ा था वहाँ से आगे पढ़िए। अरे पर वासवानी ने कहाँ से छोड़ा था हमको क्या मालूम सर। ठीक है बैठक आप पढ़िए। सर सर मैं सो, 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 ये सर सर क्या कर रहे हैं आप? सरगम बोल रहे हैं सर। बगैर चश्मे के दिखता नहीं करके कोशिश करता है सर मैं। सभी छात्रों से अनुरोग है। अनुरोग है ये कौन सा रोग है? मेरे को नहीं मालूम सर। सभी छात्रों से अनुरोध है कि आप सब लोग वहाँ पर उपस्थित रहे। आज सबसे बेस्ट मैं नोटिस पढ़ा छे ने। तुम सब अभी तक जवान और मैं? सर तुम्हें पर एकदम जवान है, हैंडसम छो। अच्छा अच्छा तो मैं सपना देख रहा था। भगवान करे तुम्हारा सपना सच हो। जबान संभाल के जो चाहे कहो पर सब एक पाल के। जबान संभाल के।